भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पदयात्रा शुरू की थी वो 9 दिन में 160 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा धाम में समाप्त हुई। बाबा बागेश्वर ने आज ओरछा में राजा राम के दरबार में हाजिरी दी। हिंदुओं को एकजुट करने के टारगेट पर बाबा बागेश्वर ने 9 दिन की पदयात्रा की। बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर तक की यात्रा चली। सनातन के पथ पर बाबा बागेश्वर के रथ के साथ फिल्म से लेकर सियासी जगत के बड़े बड़े दिग्गज यात्रा से जुड़े। सरकार के मंत्री पहुंचे, ऑपोजिशन के विधायक लीडर भी शामिल हुए। संजय दत्त, द ग्रेट खरी समेत तमाम बड़े सितारे पहुंचे। लाखों की भीड़ ने बाबा के साथ कदम से कदम मिलाया। पूरे रूट पर भव्य तरीके से यात्रा का वेलकम किया गया। अब बाबा अगले टारगेट पर निकलने वाले हैं, वृंदावन टू दिल्ली की यात्रा का प्रपोजल तैयार है। मथुरा में भगवान कृष्ण को बैठाने के उद्देश्य से बाबा जल्द ही अपनी दूसरी यात्रा का डेट भी क्लियर करेंगे। राम दरबार में हाजिरी लगाने के बाद अब कान्हा की नगरी से मिशन सनातन के साथ पथ पर चलेंगे। बाबा बागेश्वर ने आज भारत ही नहीं बांग्लादेश के हिंदुओं को भी बड़ा पैगाम दिया, बता दिया कि कौन सा ट्रैक उन्हें सुरक्षित रख सकता है। अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री राजा राम से आशीर्वाद लेकर नए रूट पर उतरेंगे। बाबा ने 9 दिन की यात्रा में हिंदुत्व के सभी एजेंडे को क्लियर कर दिया। बाबा ने कहा कि सनातन के पथ पर जात पात को खत्म करने के विजन के साथ वो निकले थे। हिंदू राष्ट्र के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आगे भी कोशिश जारी रहेगी। जितना सपोर्ट मिला है वो बताने के लिए काफी है कि हिंदू अब एकजुट हो रहा है। महाराज थकान तो है, स्वभाव हमारा है, दर्द छिपाते हैं जी। लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं जी। लोग अपने दर्द बताते हैं, थोड़ा तो जागा है और शेष बचा जगेगा। देश के कोने कोने में पदयात्राएं होगी। अब ये जो जाएंगे ये लोग भी अपने गांव गांव में क्रांति करेंगे और भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच के खिलाफ ये सभी हिंदू अब लड़ने को तैयार हैं। इस देश में हिंदू एक होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत की सड़कों पर करोड़ों कट्टर हिंदू दिखाई पड़ेंगे, जो अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए, जो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए राष्ट्र प्रेम से भरे हुए अहिंसावादी विचारों से परिपूर्ण और इस देश के आराध्य श्री राम को हृदय में रखकर वो इस देश में नई क्रांति करेंगे। और कोई भी धर्म विरोधी सनातनियों को या सनातन को छेड़ेगा तो वो कानून के हवाले करेंगे। जब वो ना मानेंगे तो ये हिंदू छोड़ेंगे नहीं। हिंदू एक हो जाए, हिंदू बच जाए और बांग्लादेश के हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और बांग्लादेश का हिंदू सड़कों पे आ जाए। बांग्लादेश का जो मामला चल रहा है आप लगातार उस पर बात भी कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिर नहीं उनको त्याग दिया है एक तरीके से कहा है, वैसे तो गलत है। और इस्कॉन मंदिर की व्यवस्था हो सकती है पर इस्कॉन में हिंदू तो हैं, हिंदू होने के नाते तो सपोर्ट करना चाहिए। सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? भारत सरकार तत्क्षण वहाँ की स्थिति की जायजा लेवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए, विदेश मंत्री इसमें विशेष रूप से कार्य करें, बहुत आवश्यक है वहाँ के हिंदुओं को बचाने के। जैसे भारत के कई मामलों में विदेश के लोग हस्तक्षेप करते हैं, जब एक कोई वो एड बनता है तो उसके खिलाफ पूरे दुनिया में विरोध प्रदर्शन होता है, मुसलमान सड़कों पर उतर सकते हैं। तो भारत के हिंदुओं को भारत की सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। संभल के हरिहर मंदिर को जो कहा जा रहा था, जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर, उसकी सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है, जुमा भी है आज, क्या आप कहना चाहेंगे? बालाजी करें कि वहाँ पर हरिहर मंदिर निकले, भगवान करें कि वहाँ हरिहर। राजा ने एक उज्जैन में कहा है महाकाल मंदिर के आसपास जो मुस्लिमों की दुकान है उनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और नाम पता होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। आखिरी दिन हर कोई इस यात्रा में अपनी भागीदारी देकर हिंदू राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की होड़ लगी रही। जय श्री राम का खूब उद्घोष हुआ।
देश भर से संत महंतों की टोली यात्रा में आई। राजनीतिक गलियारों से लेकर फिल्म जगत के दिग्गजों ने हाजिरी लगाई। 9 दिन तक चली बा बागेश्वर की इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिला। सड़कों पर ये हुजूम ओरछा में दिखाई दे रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में, बल्कि अब यह आंकड़ा अगर माने तो लाखों तक पहुंच सकता है, जब पूरे इलाके की तमाम जो सड़कें हैं जो ओरछा तक जा रही है वो इसी तरीके से जाम है। आज यात्रा का आखिरी दिन है, हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। तस्वीरों में आपको ये दिखाई दे रहा है किस तरीके से तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर बाबा बागेश्वर के साथ चलने के लिए 160 किलोमीटर से जो आए हैं वो अंतिम पड़ाव है। साफ है कि उन्हें बाबा बागेश्वर की जो 160 किलोमीटर की यात्रा थी 9 दिनों में पूरी हुई है, उसे खत्म करना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहाँ से आ गए आप? निवाड़ी के सर। निवाड़ी से? जी सर। कितने किलोमीटर चलती है? मैंने 20 किलोमीटर सर। 20 किलोमीटर लग रहा था इतना लंबा चल पाएंगे? कौन चल? हाँ चल पाएंगे सब। प्लान कर लो। दतिया से? दतिया से। हाँ कितने किलोमीटर चले? यहाँ 100 किलोमीटर है लगभग। बागेश्वर धाम से 160 किलोमीटर की दतिया से। दतिया से? हाँ। तो आपको लग रहा था कर पाओगे आप 9 दिन में? नहीं, बिल्कुल लग रहा था। अच्छा। सब लोगों में उत्साह था। हाँ। गुरु जी का आशीर्वाद था, बागेश्वर धाम की कृपा थी। अच्छा, मकसद क्या था इस यात्रा का? हिंदू सब हिंदू एकता का। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। जय त्रिलोक। हिंदू राष्ट्र बनाना जी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अच्छा, इतनी भीड़ लेके ये हाथ में भगवा झंडा लेके आए, आपको लग रहा था कि बन जाएगा? ऐसे बन जाता भीड़ से? जी धीरे धीरे ऐसे ही बनेगा। देश में संविधान भी तो है, एकता है, समाज के हैं हम लोग, एकता है। बना के छोड़ेंगे। आप कहाँ से आए? केदारनाथ से। हम बिहार से आए। अच्छा, बिहार से और आप केदारनाथ से? चलियो 160 किलोमीटर। मैं दिल्ली जी है। मैं दिल्ली से। अच्छा, काहे के लिए आ गई यार? हिंदू आ गई मैं इधर, हिंदू रास्ते के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग यही ओरछा रेलवे स्टेशन से, वार्ड नंबर 1 से। हाँ। तो काहे के लिए सर पे कलश? सब लोग अपने अपना भाव है, हम महाराज जी का स्वागत के लिए खड़े हैं। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में उमड़ी भीड़ से बाबा बागेश्वर गदगद हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपना नेक्स्ट रूट भी क्लियर कर दिया है। वृंदावन से दिल्ली की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा के जरिए मथुरा में श्री कृष्ण को विराजमान करने का टारगेट रखा गया है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए एक अलग जगह जा रही है स्वामी बाबा के द्वारा, और एक ऊर्जा के साथ संचार हो रहा है पूरी पूरे युवाओं में, एक संचार का भाव है। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए अगर हिंदुस्तान में अगर देश को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र डेफिनेटली बनेगा, युवाओं की जोर से जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे बाबा ने इतना अच्छा किया। हमारा कर्तव्य हिंदू होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमें हर घर में जाके, हर गांव में जाके ये कहना चाहिए कि भैया जागो, हिंदू जो सो गए हैं वो जागे, तो अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो आपको लगता है आपका हिंदू जाग रहा है हर घर का जहाँ जा रहे हो? बिल्कुल जाग रहा है, ये आपको सब जबा दिख लगा हुआ हिंदू। हम पूछ भी लेते हैं क्यों जा रहे हैं बाबा बागेश्वर के साथ? आप बाबा बागेश्वर के साथ इसलिए और गुरुजी ने पूरे भारत के लिए यह बीड़ा उठाया है। हम सभी नागरिकों को भी भारत की हिंदू राष्ट्र बनाने का मुकुटा है, महाराज जी का है। लगाए महाराज जी को इसलिए कि सनातन एकता धर्म अपनाने के लिए। अच्छा। हाँ, हिंदू है तो कह रहे एकजुट होगा। हाँ, एकजुट होगा, क्यों नहीं होगा? हिंदू एकजुट होगा और सभी धर्म एक समान है, सभी हिंदुओं को एक होके और हमारे भारत देश में हिंदू एकता का एक मिसाल कायम होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। ये भीड़ लेके झंडे लेके लगता है बन जाएगा? बन जाएगा, सभी सभी जातियों को एक साथ लेके चलना है, कोई ना हिंदू ना कोई। जात पात की करो बुराई, हम सब हिंदू भाई भाई।